नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न हमारा औसत वाले चैप्टर से लिया गया है और प्रश्न क्या है कि 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 2117 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, संख्याएं कैसी हैं? विषम हैं किंतु लगातार हैं। ठीक है, और कितनी है संख्याओं की? संख्या 7 है। तो हम यहाँ पर 7 गोले बना लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये हम जानते हैं कि जब संख्याएं लगातार होती हैं तो जो उनका औसत होता है वह बीचों बीच होता है। तो जब संख्या 7 होती हैं तो बीचों बीच कौन सा गोला रहेगा? बीचों बीच ए 4 नंबर वाला गोला रहेगा। ठीक है, तो यह संख्या कितनी होगी? यह 2117 होगी। क्लियर है कि नहीं है? कि जब संख्याएं लगातार होती हैं तो जो संख्याओं का औसत रहता है वह बीच वाली संख्या होती है। यानी सबसे बीच में क्या था? यह हमारा 4 नंबर का गोला था। तो हमारी संख्या कितनी हो जाएगी? 2117 हो जाएगी। अब संख्याएं हैं विषम और कैसी हैं? लगातार। तो हम पीछे वाली निकालेंगे, 2115, 2113 और 2111। ठीक है, 17 से 15, 13 और 11। अब ये 4 उसने पूछा है तो पहली 4 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब हमें पहली 4 का ही निकालना है तो पीछे की हम ना निकालेंगे। अब हमारा काम कहाँ से होना है? अब हमारा काम इन पहली 4 संख्याओं से होना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि संख्याएं जब लगातार हों तो जो उनका औसत होता है वह बीचों बीच होता है। लेकिन गोले 1, 2, 3, 4 हैं तो कोई गोला बीच में नहीं है, तो यहाँ जो संख्या होगी वही इनका औसत होगी। तो यहाँ पर 2113 और 2115 के बीच में कौन सी संख्या होगी? तो इसके बीच में संख्या होगी 2114। तो इनका जो औसत निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा? 2114। यानी कि तो पहली 4 संख्याओं का औसत निकल के क्या आ गया? 2114। ठीक है, आया आपको समझ में कैसे निकालना है? कि सबसे पहले जो औसत दिया गया है वह होगी हमारी बीच की संख्या। अब संख्याएं हैं विषम, तो हम पीछे जब बढ़ेंगे तो 2117 के बाद 2115, 2113 और 2111। अब इन्हीं 4 संख्याओं का हमसे औसत पूछा था। जब संख्याएं 4 हैं तो जो दूसरे और तीसरे गोला के बीच में आएगा वही इनका औसत होगा। तो 2113 और 2115 के बीच में क्या आएगा? 2114। तो 2114 ही इन्हीं संख्याओं का, यानी कि जो सबसे पहली 4 संख्या हैं उनका औसत निकल के आ गया। ठीक है, तो आपको सवाल को पढ़ना है, रटना नहीं है, और समझना है और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।